तो इस वक्त ऑनलाइन पर हमारे साथ बीजेपी के पार्षद हैं, बीजेपी से अजमेर में, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्ञान सारस्वत हैं। सदगुरु डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन, हैंड पिक्ड फैब्रिक्स एंड प्रीमियम ब्रांड्स, सदगुरु स्टोर, नगीना बाग, अजमेर। सारस्वत जी, ये बताइए, नगर निगम की रेवेन्यू इंस्पेक्टर रही हैं रेखा जेसवानी, आज उनको ईसीबी ने ट्रैप किया है 3,000 रुपए की रिश्वत के साथ। सदन में आप लोगों ने ठेले वालों से वसूली का मामला उठाया था, क्या लगता है? सुशील जी, मैडम तो एपीओ हो गई थी शायद। नहीं, एपीओ थी अजमेर में से, तो एपीओ कर दिया था ना मैडम को, ये ट्रैप कैसे हो सकती थी? हाँ, एपीओ तो हो गई थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपने घर पर ही, क्योंकि जैसा बताया कमलेश ने, जो पीड़ित है परिवादी, अच्छा जो है, उसने बताया है कि मंथली प्रकरण है ये, यहाँ पर मंथली की रिश्वत दी जाती थी, और इस तरीके की जो रिश्वत है उसको सीधा घर पर ही पहुंचाया जा रहा था। अगर कमलेश जी ऐसा हुआ है तो ये नगर निगम के लिए और सबके लिए शर्मनाक विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा किया है तो ये शर्मनाक करते हैं। साधारण सभा में कई लोगों ने, कई पार्षदों ने आवाज उठाई थी, मैंने भी आवाज उठाई थी कि यहाँ सिनेवल के पास ठेले लगते हैं, यहाँ ठेले में एक एक व्यक्ति तीन तीन चार चार ठेलों का ठेका लेके और उनसे पैसे, मतलब 2,000 रुपए उनसे पर ठेला वसूल कर रहा है, ऐसी बात मैंने कही थी। और ये बात प्रमाणित थी कि एक व्यक्ति 3 जगह कब्जा करके और 2,000 रुपए में किराए पे दे रहा है मासिक पे, ये बात मैंने उठाई थी। और लेकिन वो एक अलग विषय था, ये ट्रैप होने वाला विषय, ये तो बड़ा शर्मनाक विषय है भाई साहब, अगर ऐसा किया है। और सारस्वत जी, एक बात और जानना चाहेंगे, इतना जोर शोर से मसला सदन में उठाया लेकिन अधिकारियों के कान में किसी प्रकार की जू तक नहीं रहेगी, और सबसे बड़ी बात है कि ये मंथली प्रकरण चल रहा है, एक तरीके से मंथली वसूली ली जाती है अजमेर के ठेले वालों से, अधिकारियों को शर्म नहीं आती बिल्कुल भी इस बात के ऊपर? नहीं, मैंने आपको पहले ही निवेदन किया कि अगर ऐसा हुआ है, अगर ये ट्रैप हुई है, मैं आ रहा हूँ मैडम, तो बड़ा शर्मनाक विषय है। और रिश्वत लेते हुए अगर एपी होने के बाद अगर कोई ट्रैप होता है तो वो बहुत शर्मनाक विषय है। अगर ये एपी होने के बाद अजमेर में थी और अगर अपने घर पे रिश्वत ले रही है, ये अपने आप में बहुत निंदनीय कार्य है सर। इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर अजमेर से पार्षद नीरज जैन जुड़ चुके हैं। नीरज जी, निगम की रेवेन्यू इंस्पेक्टर रही हैं रेखा जेसवानी, आज एसीबी ने 3,000 की रिश्वत के साथ ट्रैप किया है, वो भी ठेले वाले से, क्या कहेंगे? मैं लगातार इस मुद्दे पर हमारे नगर निगम के साधारण सभा में ध्यान आकर्षित करता रहा हूं। बार बार इस पीड़ा को, आम जनता की पीड़ा को, ठेले वालों की समस्या को मैं उठाता रहा हूं। और शायद अभी जो हाल ही में जो जीसी हुई थी साधारण सभा, उसमें मेरे द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था कि केवल मात्र 34 लाख रुपए ठेला व्यवसायियों से वसूली हम दिखा रहे हैं और 19 लाख रुपए मात्र मैरिज गार्डन से, जो कि बड़ा कमाई का स्रोत नगर निगम का है, वो रेवेन्यू अर्न हो रही है, वो कहाँ जा रही है? ऐसे शहर भर में अवैध ठेले लगे हुए हैं, जो ठेले लाइसेंस लेकर के लगे हैं उनसे तो वसूलियां हो रही है, लेकिन जो अवैध ठेले पूरे शहर के अंदर, नो वेंडिंग जोन में, प्लाजा पे, कमंडसपुरा में, गांधी भवन पे, बजरंगगढ़ पे, ऐसे प्रमुख क्षेत्रों में है, उनसे पैसा वसूला जाता है। एक गैंग चलती है रेवेन्यू इंस्पेक्टर के नाम से, जो जा जाकर उनसे रिकवरी करती है, वसूली करती है, उनसे डेली पैसा वसूल करती है। उस गैंग पर अंकुश लगाया जाए, इस पर महापौर महोदय द्वारा भी और कमिश्नर द्वारा भी उनको ध्यान आकर्षित करने के बाद उन्होंने कहा कि एक समझदार को इशारा काफी है, अगर इस प्रकार का कोई प्रकरण है तो उस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी रेवेन्यू इंस्पेक्टर नहीं सुधरी। 2 साल पहले भी इनको अजमेर से सिर्फ इसी कारण से हटाया गया था, ठेले वालों को ये परेशान करती थी, उनसे पैसा वसूली करती थी, अवैध वसूलियों की इनकी शिकायतें पहले भी आई थी और हाल में भी 2 दिन पहले इसी कारण से एपी हुई, उसके बाद भी नहीं सुधरी। मतलब सदन में हंगामेदार, सदन में आवाज भी उठाई गई, अधिकारियों को चेताया भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी नहीं चेते। एक बात और हम जानना चाहेंगे कि ये बात जो आई, इसमें कमलेश जो है परिवादी, उन्होंने ये बताया है कि 3,000 रुपए की रिश्वत तो केवल ठेले वालों से है, 5,000 रुपए की मंथली रिश्वत भी है, 8,000 रुपए की मंथली रिश्वत भी है, 10,000 रुपए की भी है। निगम के बहुत सारी इमारतों के ऊपर सीजिंग की कार्रवाई हुई है, जहां पर नोटिस चस्पा कर रखे हैं, लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं हुई है। क्या बाकी के अधिकारी भी ऐसे रिश्वत लेते होंगे, अवैध तरीके से वसूली करते होंगे? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अभी हाल ही में जो सीज किए गए थे कॉम्प्लेक्सेस, आप जाकर के देखिए, आगे फ्रंट में सीजिंग है और पीछे से खुले हुए अनवरत काम जारी है।
लिंक रोड पे आप चले जाइए, जो सीज हुए हैं उनमें पीछे से खुला हुआ है, पीछे से आ जा रहे हैं, आराम से काम चल रहा है। तो केवल मात्र ये ठेला गैंग ही नहीं है, यहाँ अवैध निर्माण, आप इस हाथी बाठा में आप आ जाइए, आप शहर के किसी वार्ड में चले जाइए, मुंदड़ी मोहल्ला में चले जाइए, मदार गेट पे, गांधी भवन पे, तीस तीस बीस बीस फुट की, दस दस फुट की गलियों के अंदर पांच पांच सात सात मंजिल अवैध निर्माण हो रहा है। उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको नोटिस तक नहीं दिया जाता है। कुछ तो लोगों को इसमें अधिकारी सम्मिलित हैं, आपको लगता है अवैध वसूली का खेल जारी है, इस पर लंबी जांच होनी चाहिए? इसमें शक की बात ही नहीं है, पूर्व में भी इस तरह के कई प्रकरणों के अंदर पैसे लेने के आरोप लगे, उनके उन पर कार्रवाइयां हुई, लेकिन अधिकारी साफ बच निकले, उनको कभी भी ये दंश भुगतना नहीं पड़ा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका दंश अजमेर की जनता को और इस अजमेर शहर को भुगतना पड़ रहा है। जगह जगह अवैध निर्माण हो गए हैं, बिना पार्किंग के, बिना किसी सुविधा के वो गलियों में बन गए हैं। उन अवैध निर्माणों के कारण से अजमेर की जनता को परेशानी।